दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों आप सबको पता ही है कि कल से हमने एचपी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए दोस्तों हमने वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो कि हम कल जीके क्वेश्चन कर रहे थे। कल हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, झंझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर होगा चंबा का। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 6, 4। तो जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है 3। दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारे पास दिया गया है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिसेंटली सिलेक्टेड टू डेवलपमेंट एज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो है टाउन जो है सिलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शन दिया है हमारे पास शिमला, धर्मशाला, मंडी, ऊना। तो इसके लिए दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी, धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम, 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमारे पास सदाराम चंदेल जी, सीताराम शर्मा, भागमल स्तुरा या पंडित पदम देव। तो जो दोस्तों इसका जो सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था हमारे पंडित पदम देव जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिले से पहले बिलासपुर एक था? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास सेपरेट पार्ट ए स्टेट, सेपरेट पार्ट बी स्टेट, ऑप्शन सी दिया सेपरेट पार्ट सी स्टेट, ऑप्शन डी दिया है सेपरेट पार्ट पार्ट डी स्टेट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सेपरेट पार्ट सी स्टेट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 32 की बात करें, हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया हमारे पास 10,000 मेगावाट, 12,700 मेगावाट, ऑप्शन सी 16,000 मेगावाट और या ऑप्शन डी 20,000 मेगावाट। दोस्तों इसकी जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास आएगा 20,000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो अनुमानित क्षमता है वो है हमारे पास 20,000 मेगावाट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, खीर गंगा गर्म पानी का झरना स्थित है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है? दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों जो खीर गंगा गर्म पानी का झरना है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं? दोस्तों मैंने कल भी आपको आपको बताया था इसका जो क्वेश्चन था, तो आलू की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें, चंद्र और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केलांग, तांदी, पटान या सुगा। तो जो हमारी ये जो चंद्र और भागा नदियाँ हैं ये तांदी नामक स्थान पे जो है मिलती हैं, इसका आंसर होगा बी तांदी। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें, काईमठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों काईमठ है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी जो आप सबको पता ही है कि बाबा कांशीराम जी को जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की संख्या पूछी है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए 12, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो जो अभी मौजूदा है वो 3 है, ऑप्शन बी 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अभी दोस्तों बताने की बात नहीं है, जनसंख्या का घनत्व से जो सबसे बड़ा जिला है वो हमारे पास है हिमाचल, जो हमीरपुर है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें, यह गोल्फ कोर्स शिमला जिले में कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हमारे पास कुफरी, रोहड़ू, नालदेहरा या रामपुर। दोस्तों आप सबको पता ही है कि शिमला जिला में गोल्फ का जो कोर्स है वो हमारा नालदेहरा में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 1905 में किस गोरखा कमांडर ने कांगड़ा पर हमला किया था? तो ऑप्शन दिया है अमर सिंह थापा, ऑप्शन बी राज बहादुर थापा,
तीसरा राम सिंह थापा, चौथा डी ऊपरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो 1805 में जो हमला किया था गोरखा कमांडर ने तो कांगड़ा पे, उसका जो कमांडर थे वो थे अमर सिंह थापा। 42 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन दिया है रावी, झेलम, ब्यास, चंद्रभागा। तो दोस्तों रावी भी हिमाचल में बहती है, ब्यास भी, चंद्रभागा भी, तो झेलम नदी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। करेक्ट आंसर होगा बी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें, गोविंद सागर झील के निकटम कौन सा जिला मुख्यालय है। तो नियर बाई जो पूछा गया कि हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है गोविंद सागर लेक के सामने, तो ऑप्शन दी दिया है सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर या मंडी। तो दोस्तों आप सबको बताया कि गोविंद सागर झील जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ते हैं, तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा नियर बाई वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का ही होगा। तो उसका राइट आंसर होगा बिलासपुर, क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन सी 7। तो जो हम दोस्तों हमारे पास जो राज्य है और केंद्र शासित राज्य हैं वो टोटल 5 हैं जिनकी सीमाएं जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर होगा झुंझुराना पक्षी। दोस्तों ये थे आज के हमारे पास टोटल जो हमने अभी तक जो हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि 2012 से लेकर 2019 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट इसके बाद शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नॉलेजेबल लगे हैं या अच्छे लगे हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कंटिन्यू ऐसी ही क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।